हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए उबले अंडे और उबले आलू से बने हुए बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी स्नैक की रेसिपी लेकर के आ गई हूँ। बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही आसानी से ये बन जाती है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बिल्कुल नई रेसिपी है, तो वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो उबले हुए अंडे लिए हैं। सबसे पहले अंडों को हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। तो अंडों को आपको बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लेना है, इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो दोनों अंडों को बहुत ही छोटा छोटा हम कट कर लेंगे पहले। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दोनों अंडों को मैंने बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू भी ले लिया है। इसे भी हम अंडे की ही तरह छोटा छोटा कट कर लेंगे। बिल्कुल टाइनी पीसेस आपको आलू के भी कर लेने हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। वीडियो में बने रहें और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को बिना लाइक किए ना जाए। तो देखिए, आलू को भी मैंने बिल्कुल छोटा छोटा सा कट कर लिया है। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। आलू के साथ साथ हम अंडे को भी इसमें ऐड कर लेंगे। आलू अंडे को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। अब कुछ मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि हम इसमें ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच ऐड कर देंगे जीरा पाउडर, साथ ही ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर। मैंने यहाँ पे एक कश्मीरी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है, आप नॉर्मल वाला भी ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे बेसन। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच बेसन इसमें ऐड की है। तो बेसन ऐड करने के बाद मुझे लगा इसमें नमक थोड़ी सी कम हो गई है, तो मैंने थोड़ी सी चुटकी भर नमक और इसमें ऐड कर दी है। आप अपने स्वाद के अनुसार ही नमक ऐड करें। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे इसे। बहुत ज़्यादा पानी एकदम से नहीं ऐड करना है आपको, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैंने इसे मिक्स किया है। अब आप देख सकते हैं डो बंधने लगा, इसमें बाइंडिंग सी आ गई है। अब मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूंगी इसे मिक्स करने के लिए, जिससे कि प्रॉपर मसाले वसाले सब अच्छे से मिक्स हो जाए। हाथों से भी हल्के हल्के से ही मिक्स करना है, एकदम भरता सा नहीं बना देना है इसका। तो यहाँ पे ये हो चुका है मिक्स। अब आइए चलते हैं कढ़ाई की तरफ। एक कढ़ाई में मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। तो अब हम गर्म तेल में इसके पकौड़े डालेंगे फ्राई होने के लिए। तो इस तरह से आपको तेल में डालते जाना है पकौड़े। इसकी एक टेक्निक है जो मैं आपको बताती हूँ, देखिए कैसे डालना है आपको। इस तरह से हाथों में थोड़ा थोड़ा सा बैटर हमें उठाना है और हाथों से इस तरह से थोड़ा सा दबाते हुए गोल आकार दे देना है इसे और तेल में छोड़ देना है। इसी तरह से हम इसके पकौड़े बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने बैटर तैयार किया है इसके लिए वो थोड़ा सा टाइट रखा है हमने। तो इस तरह से आपको हाथों से थोड़ा सा इसका शेप देते हुए इसमें डालते जाना है। इस तरह से अंडे और आलू के जितने भी पीसेस हैं अच्छे से बंध जाएंगे बेसन में। पकौड़ों को इसमें डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक इन्हें उलट पलट करते हुए हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे। और हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखें, अंडे इसमें हैं तो ये थोड़े से उछलते हैं तेल में डालने के बाद। तो अंडों को जब भी फ्राई करें थोड़ा सा केयरफुली फ्राई करें। तो देखिए, हमारे मस्त क्रिस्पी से पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। इन्हें निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस के साथ दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, बातों बातों में ही दूसरा बैच भी हमने फ्राई कर लिया है और क्रिस्पीनेस देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा है इसकी। अंडे आलू के ये पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। बिल्कुल नई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे पकोड़े फ्राई करके हो चुके हैं रेडी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी ये पकोड़े लगते हैं। तो देर किस बात की, फटाफट से रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें कि आपकी रेसिपी कैसे तैयार हुई है। तो बाहर हो रही हो झमाझम बारिश, हाथ में हो एक चाय का कप और साथ में हो ये अंडे आलू से बने क्रिस्पी से पकौड़े, तो मज़ा ही आ जाए। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर देंगे इसमें, जिससे इसके स्वाद में लग जाएगा चार चांद। पकौड़े कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं आवाज़ भी सुन ही लीजिए। तो देखा फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।